हे गाइस, वेलकम बैक अगेन। तो आज के एक्सप्लेनेशन में हम लोग देखने वाले हैं एक ऐसी लड़की की चोरी जो कि एक सुनसान रास्ते पे एक अनजान आदमी को अपनी कार में लिफ्ट दे देती है। अब आगे चल के उस लड़की के साथ क्या क्या भयानक घटनाएं घटने वाली हैं, यही हम आज के एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ज़रूर 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 अगर आप लोग नए आए हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। मूवी की स्टार्टिंग में हम लोग मैलरी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि अपनी कार को ड्राइव करके कहीं जा रही होती है। हमें पता पड़ता है कि मैलरी की शादी होने वाली है कुछ हफ्तों बाद, पर वो अपनी शादी से खुश नहीं थी तो अपने यहाँ पर मूड को फ्रेश करने के लिए वो डेनवर नाम की एक जगह पर जा रही थी जो कि एक टूरिस्ट प्लेस था। हम लोग देखते हैं अब क्योंकि मैलरी अपने होम टाउन से काफ़ी दूर आ चुकी थी तो उसकी जो कार थी वो भी ओवरहीट हो जाती है और ख़राब हो जाती है। यहाँ पर मैलरी को दूर दूर तक कोई भी नहीं मिल रहा था जो उसकी कार को रिपेयर कर सके। और फाइनली हम लोग देखते हैं कि मैलरी अपनी कार को खुद ही ठीक कर रही होती है, पर तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है क्रिश्चियन नाम का, जो कि मैलरी की हेल्प करने के लिए आगे बढ़ता है और उसकी कार को भी फाइनली ठीक कर देता है। बदले में मैलरी उस आदमी की कोई हेल्प नहीं करती और अपनी कार को उठा के वहाँ से जाने लगती है। पर बाद में उसे याद आती है कि यार, इस आदमी ने मेरी कार को ठीक कराया है तो मुझे इसकी हेल्प करने के लिए इसे अपनी कार में बिठा कर लिफ्ट देनी चाहिए। गाइज, अब यहाँ पर ये हो जाती है मैलरी से पहली गलती। उसने अपनी इंसानियत दिखाने के चक्कर में अपने पैर पर एक कुल्हाड़ी मार ली और एक सुनसान आदमी को एक सुनसान जगह पर अपनी कार में लिफ्ट दे दी। अब ये लोग फाइनली वहाँ से चल पड़ते हैं। वो आदमी मैलरी से यहाँ पर फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, उसे प्यार भरी बातें कर रहा था, पर मैलरी उसके जाल में नहीं फंस रही थी। अब उस आदमी को लगता है कि यार, ये लड़की तो जाल में फंसी नहीं रही और उसका प्लान चौपट होने लगता है। तो वो आदमी अपनी पॉकेट से एक छोटा नाइफ निकालता है और मैलरी को डराने लगता है। मैलरी गाइज उस नाइफ को देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। हम लोग देखते हैं वो आदमी मैलरी से गलत काम करने के लिए कह रहा था। हम लोग देखते हैं ये लोग अपनी कार से कुछ आगे बढ़ने लगते हैं। तभी मैलरी की नज़र जाती है कि उस आदमी ने सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई है, और अगर वो अपनी कार को खाई में कुदा देती है और उसने सीट बेल्ट लगा रखी है तो मैलरी तो बच जाएगी और वो जो आदमी है वो शायद हो सकता है कि उसकी डेथ हो जाए या फिर वो एक्सपायर हो जाए। अब मैलरी अपने प्लान को एग्जीक्यूट करती है और गाइज मैलरी फाइनली अपनी कार को खाई से नीचे गिरा देती है। पर यहाँ पर तो उसके प्लान में ही गड़बड़ी हो गई थी क्योंकि जो मैलरी थी उसका पैर उसकी कार में ही अटक गया था, उसकी कार की सीट में, और जो क्रिश्चियन था वो कार के बाहर पड़ा हुआ था। मैलरी उसकी नज़र जाती है क्रिश्चियन पे तो हम देखते हैं क्रिश्चियन जिंदा बच गया था और मैलरी ही उल्टा फंस गई थी। क्रिश्चियन वहाँ से मैलरी को उसी हालात में छोड़ के वहाँ से चला जाता है। हे गाइज, वेट वेट वेट, मैं आप सभी लोगों के लिए एक दूसरा चैनल बनाया है जहाँ पर मैं कुछ पॉपुलर एनिमेस को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट करके बताइए इस वीडियो में कि आप लोगों को कौन सा नेम पसंद है, मैं उसकी एक्सप्लेनेशन आप लोगों को अपने दूसरे चैनल पर दूंगा। इस चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन दबाना मत भूलना। चलिए कंटिन्यू करते हैं। हम देखते हैं गाइस कि अब रात हो जाती है और वहाँ पर जो रात थी एक जंगल की रात थी और बहुत ही भयानक रात थी। मैलरी उस रात में अपनी कार के अंदर ही फंसी हुई थी। अब अगला दिन होता है, हम लोग मैलरी को देखते हैं, उसका जो फ़ोन था वो उसके पास नहीं था। तभी वहाँ पर क्रिश्चियन आता है और मैलरी को बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, पर क्रिश्चियन उसे कुछ भी नहीं देता और अकेला ही वहाँ पर बैठकर पानी पीने लगता है, जिसे देखकर मैलरी को और भी ज़्यादा प्यास लगने लगी थी। गाइस, अब रात हो जाती है और हम लोग देखते हैं कि रात में जंगल में बहुत ही ज़्यादा ठंड हो रही थी। तो मैलरी अपने लाइटर से वहाँ पर रखे हुए कुछ कागज़ों में आग लगा देती है जिससे कि वो गर्म रह सके। फिर हम देखते हैं वहाँ पर जो कुछ चूहे होते हैं जो मैलरी को परेशान कर रहे होते हैं तो मैलरी उनको मार देती है। हम लोग देखते हैं कि मैलरी जो थी वो बहुत ज़्यादा भूखी थी तो उन चूहों को ही पकाकर खा जाती है, जो कि गलत था, पर उसे ये सब करना पड़ा अपने सर्वाइवल के लिए। अब अगला दिन होता, हम लोग देखते हैं कि मैलरी को अपना फ़ोन वहाँ पर मिल जाता है, पर तभी यहाँ पर क्रिश्चियन आ जाता है और मैलरी से उसका फ़ोन छीन कर उसे तोड़ देता है, जिसे देखकर मैलरी रोने लगती है क्योंकि अब उसके पास कोई भी साधन नहीं था जिससे कि वो अपनी हेल्प कर सके और यहाँ से बच के निकल सके। साथ ही साथ हम लोग देखते हैं क्रिश्चियन मैलरी को एक आरी दे जाता है जिससे कि वो अपना पैर काट के उस सीट में से अपने पैर को निकाल सके और वहाँ से बच सके। बेसिकली हमें यहाँ पर पता पड़ता है कि क्रिश्चियन मैलरी को दर्द देना चाहता था क्योंकि वो एक साइको आदमी था। अब हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर जो क्रिश्चियन होता है वो मैलरी के पास आता है क्योंकि वहाँ पर एक बाढ़ आने वाली थी और वहाँ पर एक तूफान चल रहा था, तो वो मैलरी को ये सब करते हुए देखना चाहता था, उसे मरता हुआ देखना चाहता था। तभी वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर आ जाता है और क्रिश्चियन उसे अपनी बातों में लगा लेता है, पर वो पुलिस ऑफिसर नहीं समझ पाता कि वो आवाज़ किसकी थी। फिर से मैलरी उन्हें आवाज़ लगाती है तो पुलिस ऑफिसर फिर से जाने की कोशिश करते हैं, पर वो सोचते हैं कि ये उनका भ्रम है, तो वो वहाँ पर क्रिश्चियन को लेकर अपने साथ चले जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि मैलरी बचने का एक और मौका खो चुकी थी, पर तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर पीछे से बाढ़ आ जाती है और बहुत सारा पानी आ जाता है, जिससे कि मैलरी और मैलरी की कार
दोनों ही एक साथ उस बाढ़ के पानी में बहकर एक खाई से नीचे गिर जाती है। खाई में गिरने की वजह से मैलरी कार एक पत्थर से टकरा जाती है, जिससे कि मैलरी का पैर उसकी सीट से निकल जाता है और वो पानी के ऊपर आ जाती है, कार के बाहर निकल जाती है और फाइनली वो एक लेक के किनारे में आ जाती है और उसकी जान फाइनली बच जाती है। अब क्योंकि मैलरी का पैर 2 दिन से उसकी सीट में बंद था तो उसके पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, वो लंगड़ाकर चल रही थी और उसे सामने एक घर दिखता है। वो उस घर में जाती है तो वो देखती है कि उसे पता पड़ता है कि ये घर क्रिश्चियन का है और उसने अपनी वाइफ, अपनी बेटी और उस पुलिस ऑफिसर को भी बंदी बना रखा है क्योंकि वो एक साइको था। मैलरी यहाँ पर देखती है कि क्रिश्चियन ने अपनी वाइफ और उस पुलिस ऑफिसर को तो मार दिया था और वो अपनी बेटी को मारने आ रहा था, पर ये सब करने से पहले ही मैलरी उसकी बेटी यानी कि जिसका नाम टुष्टी था, यानी कि वो क्रिश्चियन की बेटी थी, उसे बचा लेती है। मैलरी यहाँ पर क्रिश्चियन की गन निकाल कर उस पर हमला करती है पर वो गन से बच जाता है तो और इन दोनों के बीच में बहुत ही बुरी तरह से लड़ाई होती है। मैलरी यहाँ पर पीछे से हमला करने की कोशिश करती है पर फिर से क्रिश्चियन बच जाता है। अब क्रिश्चियन अपने बालकनी में खड़ा था और मैलरी उसे पीछे से धक्का दे देती है। धक्का देने की वजह से जो क्रिश्चियन था उसका पैर उसके ही बनाए एक ट्रैप में फंस जाता है और मैलरी उसका दिया हुआ चाकू ही उसके पास छोड़ जाती है, यानी क्रिश्चियन के पास, और वो कहती है कि अगर तुम्हें कोई मुसीबत आए तो तुम अपना पैर काट के निकल सकते हो। अब यहाँ पर टिट फॉर टैट हो गया था क्योंकि जैसा क्रिश्चियन ने मैलरी के साथ किया था वैसा ही मैलरी ने अब क्रिश्चियन के साथ किया। अब हम लोग देखते हैं कि मैलरी उसकी बेटी टुष्टी को लेकर वहाँ से निकल जाती है और उसी के साथ ये मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। गाइज ये मूवी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि मैंने खुद ये मूवी 2 बार देखी है और मैं आप लोगों को भी रिकमेंड करूँगा ये मूवी जाकर देखिए। अगर आप लोगों को एंटरटेनमेंट 2 गुना चाहिए एंड अगर आप लोगों को एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना। फिर से मिलते हैं एक नई एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।